खबर के साथ पूर्व सीएम रमन सिंह ने ट्वीट कर सीएम बघेल पर तंज कसा है। भूपेश बघेल गजब के कलाकार हैं, ये कहना है इनका। घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली के नए टैरिफ में 5 से 6% की वृद्धि कर करंट दे रहे हैं। वहीं स्टील इंडस्ट्री की दरें भी 16% घटाकर बड़ी राहत देने में लगे हैं। ये भी गजब रीति नीति है। बिजली बिल हाफ का वादा जनता से और लाभ उद्योगों को। इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल जुड़ गए हैं। अभिषेक, हमें बताइए कि रमन सिंह का जो ये तंज है भूपेश बघेल सरकार पर, कितना सही है? उनके वक्त की अगर बात की जाए और इनके दौरेकार की बात की जाए तो क्या फर्क है? इतना ये जो तंजिया लहजा इन्होंने इस्तेमाल किया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए बीजेपी अभी जब से बिजली की टैरिफ बढ़ी है तब से लगातार इसे एक बड़े मुद्दे के तौर पर उठा रही है, क्योंकि राज्य सरकार के घोषणा पत्र में बिजली बिल हाफ की बात कही गई थी, इसलिए सरकार इसे मुद्दा, जो विपक्ष है इसे मुद्दा बना रहा है कि हाफ की बात की गई थी और बिजली बिल का जो टैरिफ है बिजली का वो बढ़ा दिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने तंज कसा ट्वीट में कि आप उद्योगों को ज्यादा फायदा दे रहे हैं और आम जनता को राहत नहीं दी जा रही है, उनके लिए टैरिफ बढ़ा दिया जा रहा है। हालांकि सरकारी पक्ष का तर्क यह है कि बिजली बिल हाफ की जो बात आम जनता के लिए कही गई थी वो अभी भी जारी है। कुल मिलाकर सियासत इसमें दिख रही है। टैरिफ की बात जहां तक है, पिछले रमन कार्यकाल में भी टैरिफ बढ़ते रहे थे, इस बार भी टैरिफ बढ़े हैं। ये दरअसल मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है शायदा यहाँ पर कि सरकार ने, जो मौजूदा सरकार है, उसकी घोषणा पत्र में बिजली बिल हाफ की बात कही गई थी और जो टैरिफ कुछ बढ़े उद्योगों को राहत देते दिख रहे हैं यहाँ पर और आम लोगों के लिए भी टैरिफ बढ़े हैं। ये रूटीन प्रोसेस है, लेकिन सियासत है। विपक्ष इस मुद्दे पर जोर शोर से घेरना चाह रहा है सरकार को, इसीलिए युवा मोर्चा भी इस पर लगातार आंदोलन कर रहा है। युवा मोर्चा को भी जिम्मेदारी दी गई है कि वो इस मसले को खूब जोर शोर से उठाए और बीजेपी के सीनियर लीडर्स भी इस मुद्दे को छोड़ नहीं रहे, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या लोगों तक पहुंचकर इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। सियासत जमकर हो रही है और स्वाभाविक सी बात है जनता से जुड़ा मुद्दा है, इसलिए दोनों ही लोग इस पर कहीं से सफाई आ रही है तो कहीं से आरोप प्रत्यारोप आ रहे हैं, वो लगातार चल रहे हैं, आने वाले दिनों में चलते भी रहेंगे। अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट देने के लिए। आपको बता दें कि तंज कसा है रमन सिंह ने ट्वीट करके भूपेश बघेल पर और कहा है कि गजब के कलाकार हैं। छत्तीसगढ़ में बिजली की बड़ी दरों को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी आज शाम 7 बजे हाथों में लालटेन लेकर प्रदर्शन करेगी। सभी वार्डों में बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने वाली है। प्रदर्शन में आज बीजेपी के कई दिग्गज नेता भी शामिल होंगे। बता दें कि बीजेपी ने बिजली की दरें बढ़ने पर कॉन्फ्रेंस की थी। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने बिजली के दाम में बढ़ोतरी को तुगलकी फैसला करार दिया है। कहा, जन विरोधी फैसले के खिलाफ बीजेपी प्रदर्शन में लालटेन यात्रा कर निकालेगी, साथ ही बीजेपी विभाग के कार्यालय में प्रदर्शन भी होगा। कौशिक ने कहा कि सबको अंधेरे में रखकर आखिरकार किस उजाले की बात प्रदेश की सरकार करती है वो समझ से परे है। तो बीजेपी का हल्ला बोल, सरकार के खिलाफ बीजेपी लालटेन हाथों में लेकर अपना प्रदर्शन करेगी, अपना एहतजाज दर्ज करेगी।